अस्सलाम वालेकुम, मैं इस लड़की की फ्रेंड बात कर रही हूँ जिसका रेप हुआ है। मैं मुझे पूरी स्टोरी का पता है और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। ये चाहती हूँ कि आप सब इस बात को जितना हो सके फैलाएं ताकि उस लड़की को जस्टिस मिले। वाकया कुछ इस तरह का कि फ्राइडे वाले दिन उस लड़की को गार्ड अंकल ने बुलाया और उस गार्ड का नाम ओन था। वो थर्ड फ्लोर का गार्ड है। उसने बुलाया कि आपका फी का कोई इशू है तो आप आकर बेसमेंट में मिले। वो लड़की फ्राइडे वाले दिन भूल गई। सैटरडे वाले दिन बार बार उसको कॉल्स करके बुलाया गया कि ब्रेक टाइम का वाकया है। उसको बुलाया गया और वो हमें कह गई कि मैं आ रही हूँ, फी का कोई इशू है। देन उसके बाद वो चली गई और उसके बाद से वो हमें नहीं मिली और ना ही वो क्लास में आई। हमें लगा कि शायद वो घर चली गई है। छुट्टी टाइम हम बाहर गए तो वहाँ बेसमेंट के कैमरास को तोड़ा जा रहा था और हमने बकायदा वीडियो बनाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको सोशल मीडिया पर नहीं चला सके क्योंकि हमारी प्रिंसिपल साहिबा ने हमसे डिलीट करवा दिया और हमारे फोन तोड़ दिए बकायदा। हमारी प्रिंसिपल ने हमें थ्रेट किया कॉल करके और हमारे पेरेंट्स को कि आपकी बच्ची ने इस तरह की कोई भी बात पर लाई तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर उसको मार दिया जाएगा। और हमारी टीचर्स ने हमें ये कहा कि ये फॉल्स न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है, इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई। और उसके बाद फौरन उनकी स्टेटमेंट चेंज हो गई और उसके करेक्टर पर बात की उन्होंने कि वो लड़की ही गलत होगी, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, हमारे गार्ड ऐसे नहीं है ये वो। उस गार्ड ऑन के साथ तीन चार गार्ड और भी इन्वॉल्व थे जो कि गेट के थे। उन सब ने मिलकर इस बात को छुपाया, इस बात को दबाया, वो भी प्रिंसिपल के ऑर्डर्स पर। और उसके बाद वो कैमराज भी तोड़ दिए गए। हमने बकायदा वीडियोज़ बनाई हैं। हमें थ्रेट किया गया एंड ये हमारी आंखों देखा वाक्य है कि हम छुट्टी टाइम की बहुत देर बाद हम उस दिन लेट गए थे तो वहाँ पर एम्बुलेंस आई बकायदा। वहाँ से बेसमेंट से बच्ची को निकाला गया और स्ट्रेचर पर लिटाया गया और उसको ले जाया गया। उसका हाथ लटका हुआ था एंड हमने अपनी आंखों से देखा। कोई किस तरह के कह सकते हैं कि ये सब झूठ है? आई कॉन्ट बिलीव दिस। मैं ये चाहती हूँ कि आप ये बात जितना हो